हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैंगो मस्तानी की रेसिपी। ये पुणे की बहुत ही फेमस रेसिपी है। मस्तानी कई तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं मैंगो मस्तानी बनाने वाली हूँ जो कि पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो आइए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। आम की मस्तानी बनाने के लिए मैंने दो आम लिए हैं। आम मीठे स्वाद के होने चाहिए और पके हुए होने चाहिए। आम का पल्प मैंने पहले से ही निकाल के रखा था। तो आइए अब हम पहले शेक बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे, जो कि जार ग्राइंडर जार लेंगे या जिसमें हम जूस बनाते हैं उसमें लेंगे। उसमें सारे आम के पल्प को डाल देंगे। पल्प, दो आम का पल्प मैंने इसमें डाला है और इसमें 4 चम्मच चीनी डाला है और 1 कप दूध डाला है मैंने, और सभी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी शेक तैयार है, बिल्कुल गाढ़ी। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए शेक बहुत ही गाढ़ी रखनी होती है, इसे हम पतला नहीं करेंगे। अब हम सर्व करेंगे। सबसे पहले ग्लास में हम नीचे डालेंगे कुछ आम के चंक्स कटे हुए, जो मैंने पहले से ही काट के रखा था, वो डाल देंगे। मैंगो मस्तानी में, किसी भी मस्तानी में आप जो भी फ्रूट्स चाहे अपने पसंद का यूज कर सकते हैं। तो मैंगो डालने के बाद मैं इसमें थोड़े से कटे हुए केला डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1-1 स्कूप डाल रही हूँ आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे मैंगो का शेक। शेक बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए और ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा ग्लास को खाली रखेंगे, क्योंकि हमें फिर से उसमें डालनी है आइसक्रीम। अब हम इसके ऊपर से आइसक्रीम डाल देंगे, वनीला आइसक्रीम, और ऐसे आप जो भी पसंद करते हो आप अपने पसंद की आइसक्रीम डाल दें, और इसके ऊपर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद की जो भी खाना पसंद करते हो इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। और मैंने इसे 1-1 चम्मच रोज सिरप मैंने इसके ऊपर डाला है। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत लाजवाब लगता है। तो देखिए हमारी मैंगो मस्तानी बनके तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार है। इसे आप जरूर ट्राई करें। आम अभी बहुत आसानी से मार्केट में मिल रहा है, तो बनाना भी बहुत आसान है। तो कैसी लगी हमारी आज की मैंगो मस्तानी की रेसिपी? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।